हेलो हाँ बताइए। हेलो हेलो, बताइए। हाँ जी बताइए। हेलो, ये कहाँ लगा है फोन का? फोन क्या कहते हैं, मैं इस समय पटना में हूँ, बताइए। जी मतलब कोई सीनी न्यूज़ वाले हैं? जी जी बताइए। आरती बोल रही हैं आई थिंक। जी, हम आरती बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए आरती, कैसी हैं? ठीक है, आपका नाम क्या हुआ था? क्या राज रावत नाम है, बताइए। राज बोले? रावत नाम है मेरा। पटना क्या हुआ? में है हाँ अभी? क्या हाँ पटना में है आरती, बताइए। क्या हुआ? तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा परेशानी हो गया है। तो परेशानी है, बताइए। हाँ मतलब वही FIR सब जो हो चुका है ना, हाँ तो उसी सब के लिए। अच्छा। तो FIR जो बबीता मिश्रा ने कराया है ना, उस पर। जी, बबीता मिश्रा इस समय नाराज है बहुत ज्यादा ना, और उनको कुछ लोगों ने, देखिए, उनको बहका भी दिया है इसलिए। तब बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। क्या बोल सकते हैं? बोलना तो नहीं चाहते भैया, बताइए बताइए, बिल्कुल बेफिक्र होकर बताइए। बेफिक्र हो के नहीं। हम लोग को बहुत चोट लगा है, कोई रिकॉर्डिंग सभी कर लेता है कोई। वही देखिए ना, बबीते मैम बोल रहे थे क्या कि तुम दीदी की तरह बात करो, अपने माँ की तरह बात करो हमसे। हम कोई न्यूज वाले हैं तो हम तुमको न्यूज में नहीं चलाएंगे। और अच्छा वही उस रोज धमकी दे के बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारा न्यूज चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ताकि किसी के पास कुछ बोलने से भी हम लोग डरते हैं। नहीं, देखिए बात यह है ना, बबीता मिश्रा कहीं ना कहीं, देखिए उनको जिस तरह से जा रहे थे, वो अंदर जा रही थी, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, और हाँ जबरदस्ती की है बबीता जी ये, तो मैं उनका सरासर, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता इस मामले में, लेकिन हाँ ये चीज है, गलती मनु ने भी किया। देखिए बात यह है ना, यहाँ पर एक प्रावधान ये भी आ जाता है कि पत्रकार अगर जबरदस्ती भी चाहे तो आपसे सवाल कर सकता है, समझ रही हैं? लेकिन हम समझ हाँ, गए। ये चीज आपको कहीं चोट ना पहुंचाए, ये हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए बिहार है ये, बिहार में पत्रकारों का एक आजादी होती है, जी उनसे वो किसी से भी सवाल कर सकते, चाहे नेता से भी करें तो भी चलेगा, और क्या कहते हैं, बिहार में पत्रकारों के ऊपर जो है FIR आप नहीं करवा सकते, लेकिन पत्रकार आपके ऊपर चाहेंगे तो FIR हो जाएगी, समझ रही हैं? और जी उसी का फायदा देखिए, जिस तरह से बिहार में पत्रकारों का आजादी है और उनको काफी ज्यादा श्रेय मिलता है, तो यही, जी इसी आजादी का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा जी ने कर दिया है, ठीक है। 354 का किए है ना। जी हाँ वही 354 की कहते हैं, अभद्रता का, ठीक है, अभद्रता का की है जी वो। और अगर देखिए बात ये है कि बबीता मिश्रा से बात करके आप लोग मामला सलटा लेंगी तो ठीक है, नहीं तो देखिए बात ये तो है, दिक्कत तो होगी मनु के लिए, इसमें दिक्कत काफी ज्यादा हो जाएगी। देखिए भैया, हम उस रोज भी आप लोग वीडियो में देखे होंगे, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। जिस रोज बाइट लेते लेते मतलब खांसी उसी उल्टी सब हो गया था। हाँ तो हम रहते तो इतना बड़ा मतलब इस तरह का नहीं होने देते। तो हाँ मान के चलिए, सपोज दैट कोई भी रहे इंसान, आप लोग तो जानते हैं, देखे हैं पापा को कितना सीधा साधा व्यक्ति है। मतलब वो चीज इसके तो, दिल हाँ में उन्होंने तो यदि तो गलत हाँ बोला है, मीडिया कर्मी को कभी भी किसी पत्रकार को अपना जो है मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने बोला एथनिक था ये इसका, तुम वो तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मेरे ही पिताजी को कोई ऐसे बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे लड़की हो या फिर लड़का, ये तो उन्होंने वही बोला ना। था, लेकिन बाद में गलती इन्होंने ये कर दिया ना, टच कर दिए जो उसको, ठीक। नहीं देखिए भैया, सुनिए, वीडियो ओरिजिनल वीडियो आप उसी का वीडियो में देखिए जाके, मतलब अभी चल रहा था लाइव जो चल रहा थे वो चला रहे थे, तो उसमें मतलब टच नहीं किए हैं। तो गुस्सा से उसको जो है ऐसे बोल रहे थे कि हाँ ये थोड़ा सा कोहनी लगा है, थोड़ा हाँ, वही चीज, सा नहीं, लगा। वही कोहनी लगाना ही ना दिक्कत कर तो वो गया। भी देखिए मतलब भैया, तो जान के थोड़े मतलब आक्रोश में देख रहे थे इधर और चलाए इधर। आक्रोश में तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन देखिए, हम माफी तो उससे मांगे, उस रोज भी मांगे हम, और उस रोज कॉल करके भी मांगे, और सारे मीडिया में भी माफी मांगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि माफी नहीं, गलती थोड़ा सा हुआ है। पत्रकार मतलब वो भी थोड़ा गलती किए हैं,
हम लोग मतलब हो गया है तो उससे हम लोग से उतना नहीं गलती हुआ है तो गलती देखिए इसमें गलती कहीं ना कहीं देखिए हम मानते हैं कि कहते उनका तो था ही, जिस तरह से बिना इजाजत के तो नहीं जाना चाहिए था, घर के अंदर नहीं घुसना था, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ ज्यादा गलती कर दिया ना, समझ रहे, गलती दोनों तरफ से हुआ है, बबीता जी भी गलती की है और आप लोगों ने भी गलती किया है। बात ये है ना, बबीता को ये खल गया कि देखो मैं पत्रकार हूँ, मेरी इंसल्ट कर दिए, समझ रही है? वो तो हम समझ रहे हैं, काहे की महिला है, कोई भी रहे, अगर धामी को कोई टच करेगा मतलब आक्रोश में ही करे, कुछ भी में करे तो गुस्सा उठेगा। तो बबीता मैम से माफी मांगे, बहुत मांगे माफी, लेकिन बात नहीं मान रहे हैं वो। अच्छा, नहीं माफी नहीं, नहीं मतलब कॉल आज नहीं, कल बोले तो बोले कि देखो आरती हम तुमसे बात करेंगे 11 बजे में। उसका तबीयत बहुत खराब लग रहा है, आवाज बहुत बार। किसका किसका तबीयत? बबीता जी का? जी जी, आवाज से बहुत पता, उस रोज भी मतलब बहुत। नहीं, बबीता को बात में ये है, बात ये है ना, बबीता को काफी ज्यादा टेंशन भी हो गया इस मामले को लेकर ना। हाँ, जानती वो तो है, ये है तो मैं सर आप ही बताइए तो वही ना, मतलब बात को अगर जो वही नहीं चलाते, यही से मामला शांत कर देते तो थोड़े इतना बड़ा होता। ये तो बात, वही पत्र वही मामले की वजह से मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है ना। वही ना चलाए हम लोग तो, हम लोग तो उसके चलते वीडियो भी नहीं बनाए, नहीं तो हम लोग भी प्रूफ कर सकते थे ना। ये तो बात है, बस उनका जिस तरह से वो कर रही थी आप लोगों जबरदस्ती, उसका वीडियो में तो वो भी दिख रहा है, जबरदस्ती वो भी कर रही है, जाहिर सी बात। वही ना भैया, आप लोग भी थोड़ा, आप ही लोग मामला को मतलब सलट सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। हम तो देखिए वाला मामला चलाया ही नहीं थे, धक्का मुक्की ये सब फालतू चीजें सब हम लोगों ने चलाया ही नहीं था, और आप लोगों ने जो भी कहते हैं वो सब लाइव आकर जो भी आप लोग बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हाँ ये चीज चला रहे हैं कि हाँ वो माफी मांग रहे हैं बबीता मिश्रा से, और ये जो है थंबनेल में हम लोग ये भी लिख रहे हैं कि बबीता मिश्रा से माफी मांग रहे हैं, और बबीता मिश्रा देख भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, अब वीडियो लाखों में जा रहा है तो देख ही रही होंगी। अब बात जो भी हो, जिसलिए केस वापस ना लेना चाहती हूँ इनका, उसका बात क्या है ये नहीं बता सकता। बाकी उनका नंबर, बबीता मिश्रा का मैं नंबर लूंगा, वो तो आपके पास दे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा हो सके तो, ठीक है? सुनिए ना भैया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, देखिए कॉल रिकॉर्डिंग होता है आरती, ये आप जान लो क्योंकि हम लोगों का हमेशा रिकॉर्ड रहता है, कॉल जैसे ही आप कॉल करेंगे चालू हो जाता है। बाकी हाँ बोलिए बोलिए नंबर रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको मतलब लग रहा है कहीं फिर आप भी ना आगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आरती, हम ये ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है? और खबर ये जान लीजिए, हम ये उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि देखिए आपने भी गलती किया था, उन्होंने भी गलती किया है, और इसका कहीं ना कहीं हो सके तो देखिए सब। हाँ थोड़ा हमको हेल्प चाहिए। कैसा है आर्थिक स्थिति से? किस तरह का बताइए बताइए, अगर जो भी होगा हम लोग को फंड इकट्ठा करेंगे, बताइए। आर्थिक स्थिति से समझ जाइए? हाँ हम समझ रहे हैं, बताइए बताइए कितना तक? मतलब अभी तो जरूरी है, मतलब 50,000 का। अच्छा। जहाँ मतलब किसी से मतलब लिए थे ना तो वो बहुत, अब जानते हैं किसी को कोई टेंशन आता है तो उसी पे सब मैं खोजने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जो है केस दो अब केस तो दो हो गया, एक केस वो भी चल रहा था, अब एक केस ये भी चलेगा, लेकिन और मामला एक दूसरा है। कौन तो मतलब है कि वो रुपया वाला किसी का 1,00,000 रुपया मतलब शादी वाला बात में। अच्छा अच्छा ये थे क्या? हाँ तो मतलब इसी में जो है ना 50,000 रुपया उसको देना था। अच्छा नहीं नहीं ऐसा करिए, QR कोड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, तो उसी का QR कोड भेज दीजिएगा तो हम लोग हो सकेगा तो फंड कर। देखिए लाखों लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार अगर बोल दिया जाए ना भैया, मतलब नहीं इस पे न्यूज पे मत डालिएगा। नहीं न्यूज ये बोलेंगे ना स्थिति आर्थिक मदद करिए उनका और क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो खुद ही मदद करेंगे, ठीक है? नहीं भैया सुनिए ना, हम आपको पर्सनली इसलिए कॉल किए, नहीं तो हम और आदमी को हम अपने माध्यम से भी चैनल पे चढ़ा सकते थे ना। अच्छा हाँ ये तो बात है, तो हम आपको पर्सनली इसलिए कॉल किए तो ताकि किसी को मतलब आपको लौटा देंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि रखेंगे। बिल्कुल 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 इतना लौटा देंगे आपको हम, इस समय तो मेरे पास है नहीं लेकिन मैं व्यवस्था देखता हूँ करता हूँ, ठीक है?
अगर हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक। मतलब आप ऐसा नहीं कि भैया भूल जाइएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हो बबीता मिश्रा से मैं बात भी करूंगा, उनसे बोलूंगा एक पत्रकार होने के नाते, उनसे ये कहूंगा कि हो सके देखिए बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं, एक बार इसको इग्नोर कर दीजिए इस मामले को, समझ रही हैं आप? हाँ तो समझ रहे हैं, लेकिन भैया न्यूज पे मत फैलाइएगा। नहीं नहीं नहीं, न्यूज पे नहीं चलेगा, इसका आप टेंशन ही ना लीजिए, ठीक है। हाँ आपको हम लौटा देंगे रुपया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उससे कम सुनिए ना भैया, मतलब 10 थोड़ा। हाँ 10 कर दीजिए, ठीक ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका चिंता मत करिए, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए नंबर, इसके बाद भेज देंगे। हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ और QR कोड इस पे भेजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, भेज दीजिए नंबर, इसके बाद भेज देंगे। हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ और QR कोड इस पे भेजिएगा, ठीक है। ठीक।